सुपरस्टार सलमान खान ने एक जोधपुर सेशन कोर्ट के आगे कबूल किया कि 2003 में उन्होंने गलती से एक फॉल्स एफिडेविट सबमिट किया था। सलमान ने कोर्ट से इस बात की माफी भी मांगी। एफिडेविट में लिखा था कि सलमान का आर्म्स लाइसेंस खो गया था, जबकि ये लाइसेंस रिन्यूअल के लिए गया था। सलमान 1998 से ब्लैक बक पोचिंग केस में ट्रायल फेस कर रहे हैं एंड ही मेड एन अपीयरेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। इस केस पे फाइनल वर्डिक्ट कल सुनाया जाएगा। जहां एक तरफ सलमान खान बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल स्टार्स में से एक है, वहीं पिछले कई सालों से वो अलग अलग कोर्ट केसेस के साथ भी जूझ रहे हैं। सलमान हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ हंटिंग टू ब्लैक बक्स ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ द फिल्म हम साथ साथ हैं। ही वाज देन इन्वॉल्वड इन अनदर केस जहां उन पे अपनी गाड़ी पेवमेंट ड्वेलर्स पर चलाने का इल्जाम लगाया था। After so many years of trial, Salman is still struggling to prove his innocence in the matter involving the black bucks. Take a look. सलमान खान जिन पे एंडेंजर्ड ब्लैक बक्स को मारने का आरोप है, पिछले 23 सालों से ये केस लड़ रहे हैं और इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। The actor is currently out on bail while the case continues, लेकिन ये लीगल केस इतने सालों बाद भी उलझता जा रहा है। कोर्ट के सामने ये सच्चाई आया है कि सलमान ने उनके आगे एक फॉल्स एफिडेविट सबमिट किया था। 2003 के इस एफिडेविट में सलमान ने क्लेम किया था कि उनका आर्म्स लाइसेंस मिसप्लेस हो गया है। सलमान के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये एफिडेविट गलती से सबमिट हुआ था, जिसके लिए सलमान को माफी मिलनी चाहिए। सलमान के लॉयर ने कहा, The affidavit was mistakenly given on 8th of August 2003 as Salman had forgotten that his license was given for renewal because he was too busy. Therefore, he mentioned that the license had gone missing in the court. 2003 में केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सलमान को अपना आर्म्स लाइसेंस कोर्ट में सबमिट करने के ऑर्डर्स दिए गए थे। सलमान हैज हाउएवर फाइल्ड एन एफआईआर एट द बांद्रा पुलिस स्टेशन क्लेमिंग ही लॉस्ट द लाइसेंस, लेकिन बाद में पता चला कि लाइसेंस खोया नहीं था बल्कि रिन्यूअल के लिए गया था। इस लापरवाही पे ऑब्जेक्ट करते हुए अपोजिंग काउंसिल ने डिमांड की कि सलमान पे कोर्ट को मिसलीड करने के लिए केस फाइल होना चाहिए। 2018 में ट्रायल कोर्ट में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसे चैलेंज करके वो अब बेल पे हैं। सलमान के साथ अलेजेड पोचिंग के वक्त मौजूद बाकी स्टार्स सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे अक्विट हो चुके हैं। अब कोर्ट इस मैटर में क्या वर्डिक्ट सुनाती है, ये जल्द ही पता चल जाएगा।